हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट तो आज क्लोज है, लेकिन एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर वॉल्यूम लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बाइंग क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है और लगातार स्टॉक गिरते गिरते 85% की करेक्शन में आ चुका है। तो क्या वजह है? क्योंकि FII जो है लगातार इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर लगातार FII की जो होल्डिंग्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, और लेकिन स्टॉक का प्राइस है जो वो गिरते हुए थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 2-3 दिन से तो स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। बात करेंगे KBC ग्लोबल की, क्योंकि एक रियल एस्टेट की कंपनी है और बहुत सारे लोगों को इस स्टॉक ने बेवकूफ क्यों बनाया है, क्योंकि हर रोज स्टॉक मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं, हर रोज नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, समझने के लिए क्या करेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेगा। सोशल मीडिया पे जो आपको पता है KBC ग्लोबल का इतना बड़ा प्रमोशन चल रहा है कि ये स्टॉक आपको 200-500 रुपए जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक में तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से अगर मैं अब तक की बात करूं तो 85% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो है स्टक भी हुए हैं स्टॉक के अंदर और बहुत अच्छा खासा नुकसान भी खाया है। तो क्या KBC ग्लोबल का कोई फ्यूचर है या नहीं है, इसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो KBC ग्लोबल में लास्ट क्लोजिंग डे 4% का लोअर सर्किट 10 पैसे की गिरावट के साथ स्टॉक जो है 2.40 रुपए पे पहुंच गया है। उससे पहले दिन की क्लोजिंग 2.50 रुपए पे थी। 5 दिन के अंदर देखिए स्टॉक 15% की करेक्शन दिखा चुका है और 1 महीने के अंदर 35%, और अगर 6 महीने की बात करें तो 85.54% की करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। और उसी टाइम से जो जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से ये स्टॉक जो है गिरता जा रहा है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट में लगभग 85.5% की करेक्शन स्टॉक में आप देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग है और कंटिन्यूसली स्टॉक जो है लगातार गिरते हुए नीचे पहुंच चुका है 2 रुपए के आसपास में। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो लास्ट क्लोजिंग देखिए वॉल्यूम जो है 25 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। स्टॉक में प्रॉपर लोअर सर्किट लगा हुआ था और आज भी जो है मार्केट क्लोज के टाइम सेलिंग ऑर्डर देखें आप तो लगभग 24,05,138 शेयर्स इस टाइम सेलिंग क्वांटिटी में KBC ग्लोबल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बुक वैल्यू पर शेयर भी 2 रुपए की है। सेक्टर पी की बात करूं तो 34.95, वो भी ठीक ठाक है। TTMP भी 8.57, ओवरबोट भी नहीं चल रहा है। RSI लेवल देखें तो 20 पॉइंट्स के अराउंड पहुंच चुका है। तो यानी कि स्टॉक तो बाइंग जोन में है, लेकिन गिरावट क्यों हो रही है? अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। भले ही सेलिंग प्रेशर मार्केट क्लोज के टाइम जो है सेलिंग प्रेशर इसलिए है क्योंकि स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ था। तो क्वांटिटीज परचेज कहां से की लोगों ने, मुझे तो ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि क्वांटिटी कहां से आई जब स्टॉक लगातार गिर ही रहा था। तो कौन जो है स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करता जा रहा था और अब जो है स्टॉक को सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है तो खरीद कौन रहा है? क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। अगर वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा था तो फिर भी समझ आता कि भाई कोई खरीद नहीं रहा, लेकिन 25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा तो इसका मतलब 12 लाख 12.5 लाख शेयर खरीदे भी गए हैं कल की डेट में, लेकिन कौन खरीद रहा है ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर की है। और इंतजार कर रहे हैं कि भी आने वाले टाइम में अगर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है या फिर कोई और बड़ा फ्रॉड जो है निकल के आता तो फिर वहां पे KBC ग्लोबल के इन्वेस्टर्स को बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर मैं इसके मूविंग एवरेज की बात करूं तो 5 दिन में 2.60 रुपए, 10 दिन की एवरेज 2.78 रुपए, 20 दिन की एवरेज 3.06 रुपए और 200 दिन की जो एवरेज है मूविंग एवरेज 11.37 रुपए की देखने को मिल रही है। प्राइस परफॉर्मेंस लगातार नेगेटिव देखने को मिल रहा है। स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से गिरता ही जा रहा है। 3 साल के अंदर 34%, 1 साल के अंदर 88% तक की करेक्शन है। और अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करूं तो स्टॉक में गिरावट है, लेकिन कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की 100% की बाइंग कॉल इस टाइम KBC ग्लोबल के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो 26% प्रमोटर हैं, 21% FII, और सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि FII जो है क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी होल्डिंग्स KBC ग्लोबल के अंदर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है, और अभी भी FII की होल्डिंग 21% KBC ग्लोबल के अंदर देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा पैनिक कर रही है इस टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कि KBC ग्लोबल क्या सच में ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बल्क में क्वांटिटीज इसके अंदर बाइंग कर रखी। क्योंकि प्रमोशन जब KBC ग्लोबल की तरफ से बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चला तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो नए जुड़े थे जिनको नॉलेज नहीं थी उन्होंने KBC ग्लोबल को बाई भी किया, और अब अच्छा खासा नुकसान वो झेल भी चुके हैं। और अब आने वाले टाइम में अगर स्टॉक करेक्शन में नहीं आया तो और बड़ा नुकसान आपको KBC ग्लोबल के अंदर देखने को मिल सकता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।